हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस RPR एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार की नई भर्ती के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, अभी जो है बिहार में जो है आमीन के लिए एक बार फिर से जहां पे भर्ती निकल के आई हुई है। कुल पद की बात करेंगे तो 1767 पदों पर यह भर्ती लिया जाएगा। 12th पास जो है स्टूडेंट यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो आप लोग को बताना चाहूँगा, अभी जो है ये ऑनलाइन फॉर्म आप लोग को भराया जाएगा, जी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो है तिथि आप लोग को बताना चाहूँगा 23/12/2019 से स्टार्ट होने जा रही है। तो बिहार LRC विभाग की ओर से BCEC के तहत ये भर्ती लिया जाएगा, यानी कि बिहार कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ से। इस भर्ती के दोस्तों आप लोग को हर एक जानकारी देने वाले हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चलते आप लोग को पूरी बातें पूरी जानकारी के साथ बताते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमने जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गया है, आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे, देख पाएंगे टोटल 12 पेजों पे ये जो है नोटिस जानकारी दिया गया है। हर एक जानकारी सिलेबस से लेके A to Z जानकारी दी गई है। कौन कौन सा प्रमाण पत्र आप लोग को जो है जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे अपलोड करना होगा, साफ साफ तरीके से यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को बताना चाहूँगा। अभी चलेंगे शॉर्ट नोटिफिकेशन में और यहाँ पे शॉर्ट तरीके से जानेंगे क्या सब डिटेल जो है अभी निकल के सामने आया है। तो चलिए चलते हैं दूसरी नोटिफिकेशन में जो जारी किया गया है। तो हमने जहाँ पे सेकंड नंबर यहाँ पे नोटिस पे आ गए हैं, जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2 पेजे में। ठीक है, इसमें जानकारी दिया गया है, देख पाएंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के तरफ से जो विज्ञापन संख्या है 02/2019 के तहत ये वैकेंसी निकाला गया है अमीन पद के लिए, न्यू अमीन पद है। ठीक है, इसमें आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 21/12/2019 को। ठीक, तो आप लोग को बता दूँ यहाँ पे देख पाएंगे रिक्त जो है पदों पर जो है नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त एवं जो है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण से संबंधित आवश्यक सूचना। तो आप लोग को बताना चाहूँगा कि अभी आप लोग का जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहा है 23/12/2019 से, और जो आप लोग पेमेंट करेंगे अगर चालान के माध्यम से उसकी आखिरी डेट जो है 20/1/2020। ठीक है, और फॉर्म भरने का लास्ट डेट वो जो है 22/1/2020। ठीक है, तो अब आप लोग को बताना चाहूँगा इसके बाद जो है जो आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा लिया जाएगा वो आप लोग का 15/2/2020 को होने वाला है और 16/2/2020 को होने वाला है, यानी कि 2 दिन एग्ज़ाम होंगे इनके। ठीक, अब बात करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट वैकेंसीज के बारे में, जो कि देख पाएंगे आप लोग यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए देख पाएंगे 433 यहाँ पे जो है वैकेंसीज है। इसी तरह आप लोग अपना अपना वर्ग का देख लेंगे, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर, स्वतंत्रता सेनानी, और इसी तरह सभी को अगर मिला के देखेंगे तो 1767 पदों पर ये जो है बड़ी भर्ती होने जा रही है। और इसके लिए दोस्तों जो है आप लोग को बताना चाहूँगा जो सैलरी है लगभग जो है 20,000 इसका पर मंथ मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आप लोग को बताना चाहूँगा, देख पाएंगे यहाँ पे जो जानकारी दिया गया है कि विज्ञापन पदों की संख्या आवश्यक अनुसार घट या फिर बढ़ सकती है। ठीक है, ये जो विज्ञापन टोटल है 1767 ये आवश्यक अनुसार बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना को जो है बिना किसी पूर्व सूचना या फिर इसका कारण बताए पूरी नियुक्ति प्रक्रिया या फिर विज्ञापन किसी भी जो है चरण को रद्द या फिर अधिकार सुरक्षित है। तो देख पाएंगे यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि ये जो वैकेंसीज है ये जो है किसी भी समय हो सकता है, अगर वैसा ये आए समस्या है तो इसको रद्द भी यहाँ पे कर सकते हैं, अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की। ठीक है, योग्यता जो है देख पाएंगे मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोग को 12th पास होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष। ठीक है, और साथ ही साथ जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे उस टाइम एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे समस्या आ सकती है, तो जब ऑनलाइन अप्लाई शुरू होंगे जिस दिन उसी दिन से आप लोग को बता देंगे कि इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहूँगा यहाँ पे जो जानकारी है ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे,
bihar.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो आप लोग को बताना चाहूँगा, अमीन पद के लिए जो बहाली अभी शुरू हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुकी है, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करने का जो है आप लोग को जो है यहाँ पे रूल भी बताया गया है किस प्रकार आप लोग आवेदन कर पाएंगे, और इसकी अधिक जानकारी आप लोग को बताना चाहूँगा। तो अब आप लोग को बताना चाहूँगा, अभी जो है ये आप लोग का एज लिमिट रखा गया है यहाँ पे 18 वर्ष से लेके 37 वर्ष तक, ठीक है। और एज का जो गणना किया जाएगा वो 1/8/2019 के आधार पे, ठीक है। इस डेट के आधार पे आप लोग का 18 वर्ष हो जाना यहाँ पे अनिवार्य है, अगर नहीं होते हैं तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ जो है जितनी भी जो है जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है और जो ओबीसी के स्टूडेंट है, ओबीसी में दो प्रकार के आते हैं, एक बीसी और एक ईबीसी, ठीक है, दो प्रकार के आते हैं। इन सभी को जो है 200 रुपये जो है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करना होगा जब फॉर्म भरेंगे तब, ठीक है। और जितनी भी जो है एससी एसटी और ऑल फीमेल, ठीक है, और जितनी भी विकलांग जो है उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उनके लिए सभी लोग के लिए यहाँ पे जो है 100 रुपया फी रखा गया है। तो अब आप लोग को बताना चाहूँगा, इसकी अगर अधिक जानकारी आप लोग को जानना है तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से डाउनलोड करेंगे चलिए वो भी बताते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, इसी वेबसाइट में जो है अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, देख पाएंगे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। तो BCECB बोर्ड की तरफ से ये जो है वैकेंसी लेटेस्ट अपडेट के नीचे आप लोग देख पाएंगे दो अलग अलग जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले डिटेल्स फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन, ठीक है। तो ये जिसमें जैसे क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे हमने PDF डाउनलोड कर लिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन होके आएगी, ठीक है। और दूसरी जो यहाँ पे PDF जारी किया गया है जो नोटिस, ये है दूसरे नंबर पे जो न्यू यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे लोगो लगा हुआ है, इसमें जैसे करेंगे ये ऑफिशियल ये भी है जो कि आप लोग को देखने को मिल जाएगा एक पेज में, ठीक है। एक पेज में यहाँ पे दिया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की। तो और एक यहाँ पे नोटिस जारी किया गया उसके बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा, देख पाएंगे इस जगह ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अमीन, इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स देख पाएंगे यहाँ पे जो ये पूरी नोटिस आ चुकी है, ठीक है। तो नोटिस यहाँ पे जो आ चुकी है यहाँ पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे तो ये वाला PDF आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पूरी जानकारी दी गई है। तो अब आप लोग को बताना चाहूँगा, आप सभी लोग जो है वेट कीजिए और जो है प्रतीक्षा कीजिए 23 बारों का, ठीक है। 23 बारों को इसकी ऑनलाइन लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा, उसी दिन आप लोग को बताएंगे किस प्रकार आवेदन करना है और कौन कौन लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 12th पास तो रखा गया, साथ में यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे एक्सपीरियंस जो है लेते हैं या फिर नहीं, वो तो 23 तारीख को ही पता चलेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस वैकेंसीज की आगे की जानकारी अपडेट पाने के लिए, न्यूज़ पाने के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपकी मन की बात कमेंट पे लिखिएगा, जो आपको पूछना है इस वीडियो में जो बताया गया है उसको छोड़ के जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। और अधिक जानकारी अगर आप लोग को जानना है इस वीडियो की जो है इस वैकेंसीज का जो नोटिस है ये डाउनलोड कर लीजिए, अधिक जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। तो बहुत जल्द मिलेंगे और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।